सायला उपकंड क्षेत्र भर में मनाया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सायला के राजकीय खेल मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सायला उपखंड मुख्यालय पर स्थित खेल मैदान में शुक्रवार प्रातः 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तहसीलदार हीर सिंह चारण, BDO गौरव विष्णु युवा, CBO भवरलाल परमार की उपस्थिति में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके तहसीलदार ने कहा कि योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, साथ ही आत्मिक शुद्धता के साथ मन को शांति मिलती है। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज दुनिया भर के लोग योग के महत्व को समझकर अपने योग कर रहे हैं। योग एक ऐसी साधना है जो हमें प्रश्नसित और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर करती है। वहीं पूर्व प्रधान राम प्रकाश ने प्रतिदिन योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही। योग प्रशिक्षक अमर सिंह दहिया ने विभिन्न योगासनों की जानकारी देते हुए योग से होने वाले फायदे बताए तथा योग का अभ्यास करवाया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नयनमल लखारा, मांगीलाल राजपुरोहित सहित कई जने मौजूद रहे। वहीं जीवाणा, मेंगड़वा, सिराणा, आलवाड़ा, खेतलावास, दहीवा, उम्मीदाबाद, ओटवाला व जालमपुरा में भी योग दिवस मनाया गया। इसी तरह जालमपुरा के आनंद शिक्षण संस्थान व लक्ष्मीनारायण कॉलेज में भी योग दिवस मनाया गया। दादा आपको गर्मी लग रही है, जी घुटन हो रही है, कर लीजिए, बढ़िया हो। इसका नाम है शीतली, पूरी बॉडी को शीतलता देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, शीतली प्राणायाम। बढ़िया लगा,